डब्ल्यू डब्ल्यू एफ और उनकी तमाम जो सहयोगी हमारे एनजीओ के साथी हैं, उन सभी साथियों का, पत्रकार भाइयों का, मैं सबसे पहले इस मंच के माध्यम से आपका स्वागत अभिनंदन करते हुए आज क्योंकि बहुत विस्तार से काफी चर्चा हुई है, मैं उस बात को दोहराना नहीं चाहता, अपनी बात को समेट के इस नाते में रखना चाहूंगा क्योंकि माननीय सांसद जी डॉक्टर महेश शर्मा जी सवेरे क्योंकि आना तो उनका था ही लेकिन जाना भी पार्लियामेंट जरूरी है क्योंकि पार्लियामेंट में पेपर ले वगैरह की बहुत महत्वपूर्ण सारी चीजें है, लेकिन क्योंकि आपका लगाव उतना इस ओखला पश्चिम बिहार से रहा है, आपने बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ करने की मन में जो इच्छाएं हैं, मैंने कैसे आपका रुकना भी क्या बहुत जरूरी है, तो इसलिए मैं अपनी बात को संक्षेप में रखूंगा। साथियों आज वेटलैंड डे पे आज हम दिवस जिसको हम दलदली जमीन बोलते हैं, आज हम नमी जिसमें होती है उसे को हम वेटलैंड ये बोलते हैं। आज ऐसे अवसर पर आज मैं देख के मुझे खुशी है, मैं सारे अपने विशेष वाइल्ड लाइफ और उनके पूरी टीम को बधाई देना चाहूंगा कि जो लोगों ने ओखला ऐसी खूबसूरत जगह पे इस नोएडा में हमारे एनसीआर में जहां देश और दुनिया के लोग यहाँ आवागमन बराबर बना रहता है और रहते भी है, ऐसे खूबसूरत प्लेस पे, ऐसे खूबसूरत वेटलैंड पे, पश्चिम बिहार में आपने इस तरीके का वर्ड फेस्टो रख करके जो अच्छा काम किया है, इसके लिए मैं आप लोगों को बधाई देना चाहता हूं। साथियों आज इस देश में या इस धरती पर तो हमारे पूरा का पूरा अधिकार नहीं है, जितना हमारा अधिकार है उतना ही अधिकार यहाँ के वन्य जीव प्राणी पौधे सबका है, इसमें सबका साथ, माननीय प्रधानमंत्री ने कहा नारा दिया कि सबका साथ सबका विकास, कम साधारण लोगों की जिम्मेदारी बन जाती है कि हम सब लोग मिलकर के सबका साथ, एक पेड़ पौधे जो जन सारे लोगों को साथ लेकर चलने की क्षमता हमारे पास होनी चाहिए है भी, और यही कारण है कि आज हम काफी तेजी से माननीय प्रधानमंत्री रिजर्व वाटर कंजर्वेशन को लेकर के व्यक्तिगत रूप से इस देश के प्रत्येक गांव में व्यक्तिगत जो पत्र भेजा इस जल संचयन के लिए, जल संरक्षण के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए, इसलिए मैं देख रहा था घूम करके, शायद पहली बार नोएडा को कई बार आने का मौका मिला था लेकिन पहली बार मुझे मैं देख रहा था जिस तरीके से हमारे विदेशी पक्षी जो रंग बिरंगे थे, जो पूरा लेख हमारा गुलजार हुआ है उनके आने से, जितने वाइल्ड लाइफ हमारे पक्षी प्रेमी है बड़े पैमाने पर लोग इसका दीदार कर रहे हैं और इतनी खूबसूरत जगह पे इस तरीके और पूरी इतने महत्वपूर्ण जगह पर 400 से ज्यादा हेक्टेयर में हमारी जो पक्षी विहार है बहुत ही खूबसूरत, मुझे देख के लगा यहां से इतना जल्दी नहीं जाना चाहिए, अगर जाना भी है तो यहाँ कुछ मन बना के जाना है कि आने वाले दिन में हमें कुछ करना है, इसे निश्चित रूप से माननीय महेश शर्मा जी
जो हम लोग तो पार्लियामेंट के पहले भी हम लोग के बहुत सारे हमेशा साथ खड़े रहे, और मैं तो कहता हूं कि आप तो मानव सेवा नहीं पक्षी सेवा वन्य जीव की सेवा में भी बराबर लगे रहते हैं। और ऐसी जगह पर उसके लिए विस्तार से पीके शर्मा जी ने बताया था कि हमारे पास 26 पक्षी विहार है, टाइगर रिजर्व बहुतेन है। साथ में जो हमारी सरकार बनी इस वेटलैंड के बारे में जब चर्चा करते हैं, मुझे तो खुशी है सरकार बनने के पहले केवल एक रामसर साइट हमारे पास थी, कोई बुलंदसर कोई गंगा, पर एक रामसर साइट थी। लेकिन मुझे खुशी है कि आज हमारे पास 8 रामसर साइट हमारे यहाँ है, और कई तो पाइपलाइन में है, और वो भी मुझे लगता है कि जल्दी ही और पूरे देश में जो 41-42 हमारे पास रामसर साइट है, और अकेले उत्तर प्रदेश में 8 रामसर साइट है। आने वाले दिनों में जिस तेजी से काम हो रहा है, मुझे लगता है संख्या और भी बढ़ने वाली है। और इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री ने एक नारा जो दिया था और कहते भी हैं कि जल है तो जीवन है, जल है तो कल है। साथ ही इसके संरक्षण के लिए जैसे ब्रह्मदेव तिवारी के विशेष सचिव जी ने कहा कि हम थोड़े अटपटी लगने के नाते बहुत सारी चीजों को हम पाट देते हैं, उसको ढक देते हैं। साथियों, ये कितना महत्वपूर्ण है कि आज में हमारे पास केवल 2% पीने का पानी, उसमें से 1% पीके शर्मा जी कह रहे थे कि शुद्ध जल है। अगर आज हमारे पास जल नहीं तो जीवन नहीं। साथियों, इस तरीके से आज हम उत्तर प्रदेश की सरकार में माननीय योगी जी के नेतृत्व में आज पूरे प्रदेश में जिस तरीके से हम इस प्रदेश को हरा भरा करने के लिए सरकार बनने के बाद बड़ी तेजी से हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और दूसरे डिपार्टमेंट मिलकर के लगातार उस क्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं, उस नेट को बढ़ा रहे हैं। पहले 5 करोड़ 15 20 25 और आने वाले कल में हमने इस प्रदेश में 30 करोड़ प्लांटेशन पौधारोपण का जो लक्ष्य रखा है, निश्चित रूप से हम उसको पूरा करेंगे। क्योंकि उत्तरांचल के हट जाने के बाद जो हमारा ग्रीन कवर था वो बहुत कम रह गया, 6 पॉइंट समथिंग था। लेकिन मुझे खुशी है कि अभी 4 साल में और 9.18 के करीब हमने उस ग्रीन कवर को बढ़ाने का काम किया है। और जिस तरीके से हमारे मुख्यमंत्री ने इस प्रदेश के हर लोगों से अपील किया कि वन मैन वन ट्री, एक व्यक्ति एक ब्रिज, और सारे लोगों ने इस बात को माना। हम जानते भी हैं कि अपने सरकारी अमले के द्वारा ही नहीं, जब तक उस जन आंदोलन को एक अभियान के रूप में दे दिया जाए, अभियान न बना दिया जाए, किसी भी कार्यक्रम को हम पूरी तरीके से सफल नहीं कर सकते। और पूरे उत्तर प्रदेश के चाहे नौजवान हो किसान हो, हर लोगों ने मिल करके उस 25 करोड़ में जो भागीदारी थी, और यही कारण है कि पिछले साल हमने 25 करोड़ पौधा लगा के दुनिया में एक इतिहास बनाने का काम हमने किया था। वो तो कोविड-19 के नाते, क्योंकि विलेज का पूर्ण रिकॉर्ड की टीम के पास इतने कोविड के नाते जाना संभव नहीं था, उसके बावजूद हमने पूरे प्रदेश के 8-10 जनपदों में एक जगह पे हमने 240 स्पेसिस प्रजाति लगा करके बेलेज बुका पोल में नाम हमने दर्ज कराने का काम हमारे वन विभाग के लोगों ने किया है। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।